rough size 31 approximately है, तो rough पर approximately 28.5 या 8 करेंगे, फिर fine पे grinding करेंगे। पानी का बहाव नीचे टैंक से दिए हुए वो कूलेंट पंप से आ रहा है। जाता है वहां लॉकिंग सिस्टम भी है, जब आपका सेटअप हो जाएगा तो आप वहां पर लॉक सिस्टम लगा सकते हैं कि इससे आगे ग्राइंडिंग नहीं होगा।
गया था इसलिए इसको नीचे लेना पड़ेगा, थोड़ा छोटा बैरल है इसलिए। लेकिन ये जो बीच वाला टाइम है वो हर दफ़े नहीं जाएगा, वो इतना कम होगा। आप ये देख सकते हैं कि इसको इस तरह से चेक नट को लूज करके ढीला किया जाएगा। बारी नहीं किया जाता है, खाली ऊपर नीचे ही करना होता है। यहाँ पर सेट किया हुआ है, यहाँ आपके नॉलेज के लिए करके दिखा रहे हैं। अब ज़्यादातर तीसरी लाइन पे आ गया है, अब देख सकते हैं व्हील आगे की ओर आ गया और अब एक दो और तीनों लाइन के सेंटर से अंदर आ गई। यहाँ पर पाइप है, डायमंड होल के अंदर, डायमंड के होल और व्हील के बाहर ये पाइप नहीं रहनी चाहिए। वो सेटअप है तीन लाइन के लिए, ये स्पेशल व्हील भी बड़ा बनाया है, ये प्लेट भी बड़ी ली है। पहली लाइन में जो बचे होंगे वो टच हो जाएंगे, बाद में तीनों को साथ में ग्राइंड करेंगे। देखो अब ये पहली लाइन टच हो रही है क्योंकि वो पहले टच नहीं हुई थी, अब हल्का सा टच होने के बाद वो तीनों ग्राइंड हो जाएंगे। सऊद अतू ना सऊद आई क्यू रेडिंग के थ्रू आयु पास Thank you.
गाड़ी मोड़ू एम रे हाँ बाकी पहली लाइन में हाँ बस वही चल पहली लाइन में रख पहले ये छोटा सा जो अपने तय किया था वो प्लेट ऐसा था जिसमें 52 नंग होता था ये एक फीट की थी अभी हमने ये 20 इंच का प्लेट बना दिया पहले वाली सारी कैंसिल करके ये नई बनाई है ताकि इसमें आपके कहने के मुताबिक ज़्यादा यानी डबल जितने बैरल साथ में ग्राइंड हो पाए ये ट्रायल और एरर का विषय होता है रोज नया नया जानने को मिलता है लेकिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है यहाँ पर भी गेज है पहली दफे जो ग्राइंडिंग फाइनल हो जाएगा वहाँ पर इसको ब्लॉक किया जाएगा फिर बाद में इसको ऊपर ही करना है यहाँ आके रुक जाएगा पाइप टच होती है ग्राइंडिंग में व्हील को इसलिए संभाल के किया जाता है अब एक दफे सेटअप हो जाता है छोटा बड़ा जो भी है वो देखा जाएगा बाद में इसको खोलना नहीं है ये फिक्स रखना है बड़ी आएगी तब उसका सेटअप याद रखना है लिख के रखना है हर दफे इसको हल्का सा उठाना है आधा इंच बाद में ये खोल दो ये प्लेट को खोल के जो यहाँ जगह बनेगी यहाँ से आपको बोल्ट खोल के पूरी प्लेट निकाल लेनी है फिर उसको बदली करना है अब हम इसका मेजरमेंट देखेंगे बाजू रख हम देखे हाथ ले ये 28.5 है यानी और करना है 28.1 तक तो और थोड़ा जाने देना है हम इसको फिर से थोड़ा टच करते हैं ताकि ये फर्स्ट सेटअप है तो ये और थोड़ा आधा एमएम नीचे लेंगे बीजे केटलू आई तू बीजे केटलू आवे ये रीडिंग केटलू आयु 13 आयु
वर्नियर लाइफ अब ये नहीं ये पची मुझे मैंने वन कर रोक तो चलो कितनों थे आप तो हुआ लेते हो हम रीडिंग देखा है जो 28.5.6 जो है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर से चेक कर रहे हैं 28.4.2 दूसरे में देखते हैं 28.3.4 28.4.5 28.4 28.2 28.2 28.2 अप्रोक्सीमेट 28.1 से 28.5 के बीच में आते हैं तो ये हुआ आपका ग्लास बैरल का डबल एज ग्राइंडिंग यानी दो मोटरों से ग्राइंड करने वाला मशीन जो आपके ग्लास बैरल बल्क में करीब 10-15 मिनट में 125 पीस ग्राइंड करके तैयार करता है